हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा स्पाइडरमैन के न्यू ट्रेलर के अपडेट के बारे में, रूमर्स के बारे में। मुझे मालूम है काफी लोग गुस्सा होंगे क्योंकि 1 तारीख को ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ। यार मैं सिंपल बस ये कहना चाहूंगा कि इसलिए कहता हूँ मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो जिससे कि आपको सारे अपडेट तुरंत मिल जाए। क्योंकि हुआ क्या कि जिन आर्टिकल से और वेबसाइट से मैं अपडेट देखता हूँ तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, और देन उनके अपडेट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा गलती बताती हैं, और मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है और उनके साथ भी पहली बार हुआ है कि ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ और रूमर भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था, सभी जानते हैं इस चीज़ को लेकर। और जब उनका कट गया तो यार हमारी क्या औकात है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब बात करते हैं नए अपडेट के बारे में, जो कि अभी है कि इन 2 वीक्स में ट्रेलर रिलीज होगा और जो रूमर डेट है वो 10 तारीख की है। और सेकंड अपडेट की बात करी जाए तो जो ट्विटर के देवता हैं, जो सबसे ज़्यादा अपडेट कंफर्मेशन के साथ देते हैं, उन्होंने ये चीज़ खुद क्लियर कर दी है डेनियल आरपी के कि शायद मे बी उन्होंने गैस कराया कि स्पाइडरमैन का ट्रेलर ब्लैक विडो की मूवी के साथ अटैच कराया जाए। और ब्लैक विडो की मूवी की बात करी जाए तो भाई वो जुलाई में रिलीज़ हो रही है, और जुलाई में अगर इंडिया रिलीजिंग डेट बात करी जाए तो 9 तारीख को रिलीज़ हो रही है। तो होप शायद हमें ट्रेलर जुलाई में तो देखने को मिले, पर उन्होंने ट्रेलर की बात करी है, मैं बात कर रहा हूँ टीजर की फर्स्ट लुक की, तो वो आपको इन्हीं 2 वीक्स में देखने को मिल सकता है। तो बस 10 तारीख का और वेट करते हैं, और नहीं होता है तो फिर मैं तो बैठे ही हूँ इंस्टाग्राम पे आपको तुरंत अपडेट दूंगा, भले वो सच है या गलत है या रूमर है, कुछ भी आपको हर एक चीज़ क्लियर बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो आज के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, तो फाइनली ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि थॉर की शूटिंग खत्म हो चुकी है, और इस इमेज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शायद मैं आपको टेलीग्राम पे ही और अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा। और फाइनली डायरेक्टर ने कन्फर्म कर दिया है कि जुरासिक वर्ल्ड 3 का ट्रेलर नेक्स्ट मंथ में देखने को मिल सकता है। और उसी के साथ स्टार वॉर्स से रिलेटेड अपडेट है कि आपको ल्यूक स्काईवॉकर का कैरेक्टर प्ले करने वाले मार्क ने यही कहा है कि उन्हें इंटरेस्ट है कि वो उस कैरेक्टर को कंटिन्यूस करें। शैंग-ची मूवी में फेंग-फेंग फॉर्म आपको जो दिखने वाला था कैरेक्टर ड्रैगन, वो शायद आपको इस मूवी में नहीं देखने को मिलेगा, कन्फर्म हो चुका है। और उसी के साथ थैनोस का टाइटन से और इंटरनल से क्या कनेक्शन है, इसके लिए मैंने एक पोस्ट बनाई है अपनी वेबसाइट पे, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके चेकआउट कर सकते हैं। और गाइज अगर जो भी अपडेट होगा मैं आपको तुरंत इंस्टाग्राम पे अपडेट करूंगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।